तकरीबन 150 बरस पहले चित्पावन ब्राह्मण परिवार में धोंडो केशव करवे का जन्म हुआ। कौन जानता था कि यह बच्चा 100 साल से ज्यादा जिएगा। महर्षि करवे ने अपने जीवन में दो काम किए, एक तो विधवा विवाह पर लगे सामाजिक प्रतिबंध को तोड़ा और इस सत्य की तरफ इशारा किया कि जिस देश की आधी आबादी निरक्षर है वो कभी उन्नति नहीं कर सकता। इन दोनों कामों से महर्षि करवे ने 19वीं सदी के भारत को रूढ़ियों से छुटकारा दिलाने का जो काम किया उसका सही आकलन अभी तक नहीं हुआ है। मैं इस इंस्टीट्यूट की बहुत ऋणी हूँ और करवे जी की भी बहुत ऋणी हूँ कि वो जो नहीं होते ना तो मेरी कुछ भी पढ़ाई नहीं हो सकती थी। मैट्रिक तक तो पढ़ सकती थी लेकिन अगले वाला जो पढ़ाई है वो इस इंस्टीट्यूट ने जिस ढंग से मुझे खड़ा किया पढ़ाई के लिए इससे ही हो गया, नहीं तो मेरी पढ़ाई ही नहीं होने वाली थी। एमए तो मेरा एक्सटर्नल से हो गया, आज जो मेरी सब जगह इज्जत है मेरे अपने क्षेत्र में वुमेन स्टडीज के क्षेत्र में वो सब इस इंस्टीट्यूट की वजह से ही है। केवल महाराष्ट्र, गुजरात और केरल में ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष में ऐसी अनेक महिलाएं होंगी जो महर्षि करवे के प्रति इस आभार की भावना से सहमत हुए बिना नहीं रह सकती। आज 85 वर्ष बाद भी करवे जी की दूरदर्शिता के बारे में जितना कहा जाए कम जान पड़ता है। SNDT यानी श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकर सी महिला विश्वविद्यालय आज 50,000 से भी अधिक महिलाओं को शिक्षा उपलब्ध करवा के उनके लिए समय के साथ चलने का सहारा बनी है। न सिर्फ पुणे और मुंबई स्थित कॉलेजेस बल्कि सारे देश में फैले अफिलिएटेड स्कूल्स, कॉलेजेस और पत्राचार पाठ्यक्रमों के जरिए SNDT यूनिवर्सिटी महिला शिक्षा में काफी बड़ा योगदान दे रही है। बदलते समय में जब सह शिक्षा आम बात है और लड़कियां हर क्षेत्र में लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, शायद केवल महिलाओं के लिए चल रहे इस विश्वविद्यालय का महत्व समझना थोड़ा कठिन हो। मगर सन 1916 की बात करें जब पराधीन भारत में महिलाओं की उच्च शिक्षा को नजर में रखते हुए इस यूनिवर्सिटी का सपना महर्षि करवे ने साकार कर दिखाया तो इस योगदान को नकारना नामुमकिन होगा। समाज सुधारकों के एजेंडा में तो स्त्री शिक्षा ये बहुत ही अहम बात थी, लेकिन समाज जो था वो समाज स्त्रियों को शिक्षा देने में, क्योंकि उनको लगता था, क्योंकि वो जो माहौल था वो माहौल ऐसा था कि अगर हम लड़कियों को शिक्षा देंगे तो हमारी लड़की विधवा बनेगी, ये एक मान्यता बहुत जोर में लगी थी। दूसरी मान्यता ये भी थी कि हमारी लड़की को हम शिक्षा देंगे तो उनकी शादी नहीं होगी, क्योंकि शादी उस टाइम में बहुत जल्दी हो जाती थी, 7, 8, 10 साल में तो शादी हो जाती थी, और ये टाइम में अगर जो स्कूल में जाएगी तो उसकी शादी कैसे होगी। स्त्रियों के विकास के मार्ग में दो मुख्य बाधाएं थी, पहली समाज में स्त्री शिक्षा के प्रति रूढ़िवादी धारणा और दूसरी समाज में उसकी दयनीय स्थिति, खास तौर पर अगर वो विधवा या बेसहारा हो। 20वीं सदी के शुरू में प्रगतिशील दौर में स्वतंत्रता, शिक्षा, जागरूकता के साथ साथ समाज सुधारकों का ध्यान स्त्री की दशा पर भी केंद्रित हुआ। महर्षि करवे भी इसके प्रभाव से अछूते नहीं रह पाए। महर्षि करवे सिर्फ महाराष्ट्र के ही नहीं लेकिन पूरे देश के एक बहुत ही समर्थ और प्रसिद्ध समाज सुधारक रहे। ऐसे समाज सुधारक रहे जो दृष्टा भी थे। देखिए, बहुत कम समाज सुधारक ऐसे होते हैं जो दृष्टा भी होते हैं और साथ साथ ठोस काम करने वाले होते हैं। तो जब महर्षि करवे ने आसपास के समाज की जब स्थिति देखी तो उन्होंने पाया कि महिलाओं की स्थिति बहुत ही दयनीय रही है, और इसीलिए उनके जीवन के जो पहले कुछ वर्ष हैं
वह विधवा विवाह के और खास करके विधवाओं की स्थिति के सुधार में लगे रहे। क्योंकि करबे एक कर्मयोगी थे, वो अपने कार्य में पूर्ण रूप से विलीन हो जाते थे। उन्होंने विधवा उद्धार को केवल बातों से समझाने की कोशिश नहीं की, बल्कि खुद इस पर अमल करते हुए दूसरों के लिए एक उदाहरण स्थापित किया। 1893 में समाज की कड़ी आलोचना सहते हुए महर्षि करबे ने एक विधवा से विवाह किया। गोदूबाई, जो बाद में आनंदीबाई के नाम से जानी गई, पुणे की समाज सेविका पंडिता रमाबाई के विधवा आश्रम की पहली छात्रा थी। श्री करबे से उनका विवाह रूढ़िवादी चित्त पावन ब्राह्मण समाज के गले नहीं उतरा। बहुत उनको सहन करना पड़ा दोनों को ही, और कोई उनके साथ रिश्ता नहीं रखता था। उनकी अपनी पढ़ाई पंडिता रमाबाई के पास हुई थी यहाँ मुंबई में, तो उनको ये सब जो करबे जी का जो विचार है वो उनको बिल्कुल पसंद थे, इसलिए उन्होंने बहुत ही काम किया है। सन 1896 में करबे जी ने महिला अनाथ आश्रम की शुरुआत की, जिसमें आनंदीबाई ने उनका साथ दिया। शुरू में इस आश्रम का उद्देश्य विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देना था, मगर धीरे धीरे महर्षि करबे का झुकाव विधवा पुनर्विवाह से शिक्षा की ओर बढ़ने लगा। उनका मानना था कि स्त्री शिक्षा ही वो अस्त्र है जो महिलाओं की स्थिति में दूरगामी सुधार का साधन बन सकता है। सन 1915 तक विधवा आश्रम आश्रम से बढ़कर महिलाओं के लिए एक छात्रावास का रूप ले चुका था। यहाँ की कुछ लड़कियों ने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से प्राइवेट तौर पर मैट्रिकुलेशन की परीक्षा दी। He thought that it's not only sufficient that they are educated up to. उनको लगा कि लड़कियों का केवल हाई स्कूल तक पढ़ना ही काफी नहीं है, बल्कि उन्हें भी उच्च शिक्षा मिलनी चाहिए। इसलिए उन्होंने इस विश्वविद्यालय की शुरुआत की। जापान का महिला विश्वविद्यालय उनके लिए एक उदाहरण के रूप में था। मिस्टर गुप्ता, जिन्होंने काशी विश्वविद्यालय शुरू किया, उन्होंने जापान विश्वविद्यालय की एक बुकलेट उन्हें लाकर दी, जिससे प्रेरित होकर उन्होंने महिलाओं के लिए ये विश्वविद्यालय शुरू करवाया। आज चहल पहल वाले इस कैंपस पर नजर डालें तो विश्वास करना मुश्किल है कि इस भरे पूरे विश्वविद्यालय की शुरुआत कितनी छोटी थी। हिंगणे पुणे में महज 5 लड़कियों से शुरू किया गया ये भारतीय महिला विद्यापीठ भारतवर्ष में स्त्रियों की उच्च शिक्षा की दिशा में पहला ठोस कदम था। करबे के मन में जो शिक्षा का विचार था वह यह था कि वह महिला को एक अच्छी गृहिणी बना सके, अच्छी पत्नी बना सके, अच्छी माता बना सके। और करबे ने यह भी देखा कि महिलाओं के लिए उचित शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि महिलाओं के जो गृह कार्य है वह महिलाओं के की गतिविधि में एक प्रकार से बाधा डाल देते हैं। और इसीलिए करबे ने यह जो यूनिवर्सिटी का विचार रखा उसे हम आज के स्टैंडर्ड से हम उसे सीमित नहीं कर सकते। महर्षि करबे को विश्वविद्यालय शुरू करने पर रूढ़िवादी और प्रगतिशील दोनों ही तरफ से समाज के विरोध का सामना करना पड़ा। एक तरफ पुराने ख्याल वालों का मानना था कि उच्च शिक्षा औरतों को दिशाहीन कर देगी, तो दूसरी तरफ प्रगतिशील समाज सुधारकों का मत था कि स्त्रियों को सहशिक्षा से अलग रखना एक पिछड़ा हुआ कदम है जो उनके सामाजिक सुधार में बाधा बन सकता है। महर्षि करबे ने हर तरह के विरोध को नजरअंदाज करते हुए अपना काम जारी रखा, क्योंकि उनका मानना था कि औरतों के लिए एक अलग विश्वविद्यालय समय की मांग है और आगे भी रहेगी। महिला शिक्षा के क्षेत्र में ये एक मूक क्रांति थी। इस विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम स्त्रियों की खास जरूरतों और सामाजिक बंधनों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा में इतना लचीलापन था कि एक तरफ तो महिलाएं अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए पढ़ाई जारी रख सकें और दूसरी ओर शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होने के कारण उसे सहजता से अपना सकें। The reason why this university went in for vernacular media was because इस विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम मातृभाषा इसलिए रखा गया क्योंकि यहाँ आने वाली लड़कियों के माँ बाप अंग्रेजी नहीं बोलते थे। वो अपनी भाषा ज्यादा समझती थी और नौकरी के समय भी मातृभाषा ही ज्यादा काम आती थी। फिर यहाँ देशी भाषा या ओपन यूनिवर्सिटी या पत्राचार पाठ्यक्रम थे जिसे शादी के बाद भले ही लड़की कहीं भी रहे, मान लीजिए बेलगांव में रहने लगे और उसके पास शिक्षा जारी रखने का कोई तरीका न हो, क्योंकि उस समय में कॉलेज और विश्वविद्यालय बहुत कम थे, तो वो खुद पढ़ाई करके एक डिग्री हासिल कर सकती थी। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज देन देयर वाज एन अपॉर्चुनिटी फॉर हर टू सेल्फ स्टडी एंड देन गेट अ डिग्री। आज 85 वर्ष बाद भी दूरवर्ती शिक्षा की परिकल्पना के कारण ये यूनिवर्सिटी भारतवर्ष में स्त्रियों में लोकप्रिय है। यहाँ शिक्षा ग्रहण करने में जो सुविधाएं हैं, वो स्त्रियों के लिए एक वरदान है। आज भी स्त्रियों के जीवन में शादी और मातृत्व जैसे पड़ाव शिक्षा में बाधा डालते नजर आते हैं, मगर इस यूनिवर्सिटी के रहते वो अपने बाकी सारे कर्तव्य निभाते हुए भी शिक्षा जारी रखने में कामयाब हो जाती है। 49 से मैंने ज्वाइन किया क्योंकि वसई में रहती थी मैं और तब तो इतनी गाड़ियां वगैरह नहीं थी, बहुत सारा बड़ी मुश्किल होती थी यहाँ तक आने की, दो दो घंटे तक गाड़ी नहीं होती थी लोकल, तो मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो गई। लेकिन मेरी तब की जो प्रिंसिपल थी पहली मिसेस अंकलेसरिया, वो पारसी थी, उनको जब समझा कि मेरे लिए बड़ी दिक्कत है तो उन्होंने मुझे बोला कि 8 दिन में तुम 2 दिन ही आओ हफ्ते में, लेकिन पढ़ाई ये नहीं करो। तो इनका इतना मुझे सहयोग मिल गया है मेरे सब टीचर्स का कि मैं अच्छी तरह से मेरी बीए पास कर दी। बीए पास करने के बाद फिर रुकावट आ गई, बेबी हो गई तो फिर से रुकावट आ गई। उसके बाद मैंने बीएड किया, फिर से रुकावट आ गई 2 साल, फिर से एमए किया, फिर से रुकावट आ गई, फिर से पीएचडी हो गई। कहना मुश्किल है कि इस विश्वविद्यालय का इतिहास क्या होता अगर एक खास मोड़ पर उसे श्री विट्ठल दास दामोदर ठाकरसी का सहयोग नहीं मिला होता। श्री विट्ठल दास दामोदर ठाकर सी एक प्रगतिशील व्यक्ति थे जिनकी स्त्री शिक्षा में काफी रुचि थी। ये महज इत्तेफाक ही था कि सन 1919 में अपनी पत्नी प्रमिला ठाकर सी के साथ जब वो विश्व भ्रमण पर गए तो जापान में वो खास उसी महिला विश्वविद्यालय को देखने पहुंचे जिसकी पुस्तिका पढ़कर करवे जी के मन में विश्वविद्यालय शुरू करने की इच्छा जगी थी। विश्व भ्रमण से लौटने के बाद उन्होंने महर्षि करवे से भेंट की। वो महिला विश्वविद्यालय देखकर संतुष्ट हुए और 15 लाख रुपए की उदार राशि दान में देने का वादा किया। सर विट्ठल दास अरेंज्ड अ टूर, अ वर्ल्ड टूर। भाई विट्ठल दास ने एक विश्व भ्रमण की योजना तैयार की। सीताबाई अन्नेगिरी जो विश्वविद्यालय की पहली छात्रा थी वो लेडी ठाकरसी के साथ थी। वो जापान के महिला विश्वविद्यालय को देखने गए। सीताबाई अन्नेगिरी ने वहाँ की व्यवस्था को बड़े ध्यान से देखा। लेडी ठाकरसी भी वहाँ थी। उन लोगों के अपने विचार थे कि यहाँ विश्वविद्यालय कैसा होना चाहिए। उन्होंने केवल पैसे दान में नहीं दिए बल्कि अपने विचार भी दिए।
सर विठलदास ठाकर सी ने खुद 22 एकड़ की ये जमीन पसंद की थी। इस सुंदर जगह पर उन्होंने खुद अपनी देखरेख में बिल्डिंग का निर्माण कराया। Had chosen this land of 22 acres in Erindone, which was a very beautiful land, and he himself had designed this building. He got it built under his own supervision. ठाकरसी परिवार की इच्छा अनुसार भारतीय महिला विद्यापीठ का नाम बदलकर दामोदर ठाकरसी की पूज्य मां की याद में श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी वुमेन्स यूनिवर्सिटी रख दिया गया। आगे चलकर ये SNDT यूनिवर्सिटी के नाम से मशहूर हुई। सन 1923 तक पुणे में 24 एकड़ में फैला हुआ यह कैंपस और स्त्रियों के लिए बना हुआ यह हॉस्टल चहल पहल से भरने लगे थे। सन 1936 में मुंबई के चर्च गेट इलाके में एक और कैंपस की शुरुआत हुई और यही कैंपस आगे चलकर यूनिवर्सिटी का केंद्र माना जाने लगा, क्योंकि श्री दामोदर ठाकरसी ने दान देते समय ये शर्त भी रखी थी कि SNDT यूनिवर्सिटी के प्रधान कार्यालय का स्थानांतरण पुणे से मुंबई किया जाए। बढ़ते हुए दाखिलों को नजर में रखते हुए मुंबई में दूसरा कैंपस जुहू में खोला गया। शुरुआत के 4 साल बाद से ही यानी सन 1920 से ये विश्वविद्यालय बहुत तेज रफ्तार से तरक्की के पथ पर कदम बढ़ाता जा रहा है। जहां सन 1916 में 5 लड़कियों से शुरुआत हुई, वहीं सन 1951 में नामांकन की सूची में 532 लड़कियों के नाम थे और आज ये संख्या बढ़कर 50,000 से भी अधिक हो गई है। 1920 से ही अफिलियेशन के लिए बहुत से कॉलेजों और स्कूलों से लगातार प्रार्थनाएं आने लगी। आज यूनिवर्सिटी से संबंधित 50 कॉलेज हैं, जो भारत में जगह जगह पर फैले हुए हैं। कुछ ही समय पहले SNDT वुमेन्स यूनिवर्सिटी ने अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा हासिल किया, जब इसका गठजोड़ दुबई के एक कॉलेज से हुआ। The rural women were also encouraged because some of our colleges were in the rural area. गांव की महिलाओं को भी बढ़ावा दिया गया क्योंकि कुछ कॉलेजेस गांव में भी थे। फिर यहां पत्राचार पाठ्यक्रम भी थे जो अब डिस्टेंस एजुकेशन कहलाते हैं। पहले कोर्सेज लिखित रूप में जाते थे, फिर कैसेट्स और स्टडी सेंटर्स शुरू किए गए ताकि उन्हें पढ़ने का मौका मिले और वो डिग्री भी ले सके। वो रेगुलर छात्राओं से किसी भी तरह कम नहीं थी क्योंकि उन्हें असाइनमेंट्स मिलते थे और कॉन्टैक्ट लेसन्स भी। स्टडी सेंटर्स में भी छात्राएं आती थी। असाइनमेंट्स वर देयर, द स्टडी सेंटर्स वर देयर, कॉन्टैक्ट लेसन्स वर देयर, वेयरएवर दे वर। जहां एक और SNDT यूनिवर्सिटी में नए जमाने को नजर में रखते हुए ऐसे पाठ्यक्रम हैं जो लड़कियों को नवीनतम पेशेवर क्षेत्रों में सक्षम बनाते हैं, दूसरी तरफ ऐसे भी पाठ्यक्रम हैं जो खास महिलाओं की जरूरतों को ध्यान में रखकर चलाए जा रहे हैं। SNDT यूनिवर्सिटी महिलाओं की यूनिवर्सिटी होने का अपना बेजोड़ पद न सिर्फ खास पाठ्यक्रमों पर ध्यान देकर बनाती है, बल्कि दूसरे कॉलेजों में पढ़ाए जाने वाले सभी पाठ्यक्रमों में भी महिला अनुकूलित बदलाव लाकर बनाए रखती है। हमने खास तौर पर ऐसे पाठ्यक्रम बनाए हैं जिससे हम आधुनिक भारतीय महिला को ऐसे मुद्दों के प्रति जागरूक कर सकें, जैसे समाज में नारी का दर्जा। मान लीजिए किसी ने मनोविज्ञान लिया है या इकोनॉमिक्स, तो उसे होम इकोनॉमिक्स भी मिलेगी जो महिलाओं को काम भी दे। मनोविज्ञान में भी साइकोलॉजी खास विषय रहेगा। मराठी में महिला प्रधान साहित्य या फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म लैंग्वेज टीचिंग का खास विषय रहता है। लैंग्वेज टीचिंग मेरे साथ तो ऐसा था कि मैं साइंस की ग्रेजुएट हूँ, लॉ मैंने पढ़ा है, तो एक वातावरण वैसे भी था और मैं खुद एकेडमिक स्टडी में इंटरेस्टेड थी, इसलिए मैंने ज्वाइन किया था कि ऐसे तो मैं गाते रहूँगी लेकिन जो पढ़ना है, जो लिखना है, वो वहाँ जाके ज़्यादा अच्छा होता है, क्यों एटमोसफियर होता है वहाँ पर, फैसिलिटीज़ भी होती है। तो मैंने अपने लिए भी ज्वाइन किया था और ये सोचा था कि मेरा जो ज्ञान है मैं अपने स्टूडेंट्स को भी दे दूं। आज SNDT से शिक्षित लड़कियों में से बहुत सी लड़कियां
व्यावसायिक क्षेत्रों में हैं, खास तौर पर चिकित्सा के क्षेत्र में। यहाँ से शिक्षा प्राप्त करने वाली नर्सेज सारे देश में अपनी व्यावसायिक निपुणता, सेवा भाव और संवेदनशीलता के लिए जानी जाती हैं। जब हमने नर्सिंग कॉलेज शुरू किया तो हमारा तरीका दूसरे नर्सिंग कॉलेज से अलग था। हम चाहते थे कि हम भाषा, साहित्य और इतिहास की एक अच्छी पृष्ठभूमि दें, जैसा कि कई और देशों में होता है, फिर उन्हें जनरल नर्सिंग में निपुणता दें। बाद में अगर कोई विशेष तरीका आए तो हम वो भी करें। सन 1916 से लेकर आज तक समाज में बहुत रद्दबदल हुए हैं। शुरुआत में इस यूनिवर्सिटी का मकसद औरतों को उच्च शिक्षा देकर उन्हें एक बेहतर माँ, निपुण गृहिणी और पति के साथ समाज सेवा के कार्यों में कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली एक सक्षम महिला बनाना था। लेकिन आज की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ये लक्ष्य बदल चुका है। इस यूनिवर्सिटी ने महिला मुद्दों को सक्रिय रूप से उठाया है। ये कहना गलत नहीं होगा कि देश में महिलाओं की जीवन शैली को बदलने में SNDT का काफी योगदान रहा है। The university has proved its uniqueness. इस विश्वविद्यालय ने अपना खास स्थान कई तरह से बनाया है। यहाँ ऐसे पाठ्यक्रम हैं जो दूसरे विश्वविद्यालय में नहीं हैं, जैसे BSc नर्सिंग या फैशन डिजाइनिंग या होम साइंस या ज्वेलरी डिजाइनिंग, जो सारे एशिया में अपने आप में अकेला कोर्स है। ये कुछ विशेष कोर्सेज हैं जो इस महिला विश्वविद्यालय में पढ़ाए जाते हैं। यहाँ महिला शोध केंद्र है जहाँ महिलाओं की दशा पर शोध होता है। किताबों पर शोध इसलिए होता है कि पाठ्यक्रम और साहित्य में औरतों को कैसा दर्शाया है वो ठीक है या नहीं। समाज में जो होता है, जैसे महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती, दहेज प्रथा, गर्ल चाइल्ड अब्यूज, बलात्कार आदि, इस विश्वविद्यालय ने इस बात को महसूस किया और समाज के सभी वर्गों के साथ सेमिनार्स किए और सरकार से भी इन विषयों में हस्तक्षेप की मांग की। बात चाहे महिला मुद्दों की हो या जीव विज्ञान की, स्पेशल एजुकेटर्स की ट्रेनिंग की हो या कल्चर की, बदलाव और परिवर्तन इस विश्वविद्यालय का मूल मंत्र है। ऐसी बात नहीं है कि women have been uplifted to such an extent that they can... ऐसा नहीं है कि महिलाओं की दशा में इस हद तक सुधार आ गया है कि अब उन्हें मदद की जरूरत नहीं है। आज हमारे विश्वविद्यालय में 50,000 से ज्यादा छात्राओं में अधिकता उन छात्राओं की है जो अपने परिवार में पढ़ने वाली पहली लड़कियां हैं। ऐसे विषय की अभी भी जरूरत है जो महिला स्तर को ऊपर उठाए और उन्हें मजबूत बनाए, जिसके लिए विश्वविद्यालय और कॉलेज आवश्यक हैं, जिससे ये अपने शर्मीले और झिझकदार स्वभाव से ऊपर उठ सकें। इनके घरों की पृष्ठभूमि शिक्षा के प्रति प्रोत्साहन देने वाली नहीं है। महिलाओं के लिए विश्वविद्यालय होना जरूरी है। अमेरिका में भी ऐसे कॉलेज हैं, क्योंकि यहाँ पर फोकस होता है महिलाओं की शिक्षा पर, खासकर विशेष शिक्षा पर जो महिलाओं की मानसिकता से जुड़ी हुई है। जो हमारा प्रेरक बात रही है वो तो यही है कि संस्कृत आस्त्री पराशक्ति। तो यहाँ सिर्फ पढ़ाई लिखाई की बात नहीं है, लेकिन जो महिला शिक्षा के लिए या महिला विकास के लिए जो भी बातें आवश्यक है, उन सभी बातों की बात है। उसमें संस्कृति भी आते हैं और जीवन तत्व भी आते हैं। और जब महिला को इस प्रकार की शिक्षा मिलेगी
तभी वह एक शक्ति बन जाएगी और ऐसी शक्ति बनेगी कि जो शक्ति से भी बढ़कर एक बात है। महर्षि कर्वे, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो एक ऐसे दृष्टा थे जो कर्मयोगी भी थे, जिन्हें समाज सुधार के कार्यों के लिए सन 1958 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उनका मानना था महिलाओं की यूनिवर्सिटी खोलने की उनकी उपलब्धि उनके बाकी सभी कार्यों की तुलना में श्रेष्ठ और अर्थपूर्ण है, और शायद इस बात से आज सभी सहमत होंगे। कर्वे के बारे में ये विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि अपने जन्म के समय उन्होंने दुनिया को जैसा पाया था, अपनी मृत्यु के समय उससे बेहतर हालत में छोड़ने में वो कामयाब हुए थे।